संत हो, ज्ञानी हो, वो तभी आपके ऊपर प्रश्न जो है खुश होते हैं जब आप कल्याणकारी प्रश्न करते हैं। और कभी भी कोई ज्ञानी पुरुष मिले, संत मिले, गुरु आए, ज्ञानी हो, तो उसको संसारिक बातों में उलझाना नहीं चाहिए। संसारिक बातों में न लगा करके उसके अंदर का जो वैभव है उसको निकलवाने का प्रयास करना चाहिए, सत्संग के रूप में ज्ञान को। और सदा आत्म कल्याण के प्रश्न करिए। प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम चला करता है सभाओं में, सत्संग में, मगर ज्यादातर लोग जो है आत्म कल्याण के प्रश्न ना करके सांसारिक प्रश्नों को संतों से करते हैं, यह उचित नहीं है। ऐसे प्रश्न करिए जिन प्रश्नों से आपका कल्याण हो जाए, आपका उद्धार हो जाए। कोई ऐसा मिल गया है तो पहली बात तो यह है कि संत, ऐसा संत मिलना बड़ा कठिन है, कोई ज्ञानी मिलना बहुत कठिन है। पुण्य पुंज बिन मिले ही न संता, जब तक आपके पुण्य नहीं होंगे तब तक आपको उद्धारकारी वो संत मिलेंगे नहीं, वो ज्ञानी मिलेगा नहीं। तब तक साधारण व्यक्तियों के बीच में ही आप राग द्वेष और ईर्ष्या छल कपट से भरे हुए समाज, परिवार, समाज, संसार में आप घूमते रहेंगे। और अगर कहीं मिल गया तो यह मान करके चलिए कि आपके बहुत बड़े पुण्य जागृत हो गए, बहुत बड़े भाग्य जागृत हो गए। तो ऐसा व्यक्ति कोई कभी मिले तो उससे केवल आत्म कल्याण के प्रश्न करिए। गीता के श्लोक पूछ लीजिए, रामायण की जो है कथा पूछ लीजिए, वैराग्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे हमारा कल्याण होगा। मुझे जो है, मैंने अष्टावक्र गीता को पढ़ा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था अष्टावक्र गीता में, कि जब अष्टावक्र जी महाराज से राजा जनक मिलते हैं तो बिना समय गंवाए ही और सबसे पहले पहला प्रश्न किया था, कथम ज्ञानम वाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम चा कथम प्राप्तमे ददब्रूहि मम प्रभो, प्राप्त में तद ब्रूहि मम प्रभो, कथम ज्ञानम वाप्नोति, हे प्रभु ज्ञान कैसे आए, कैसे कैसे मिलेगा, कथम ज्ञानम वाप्नोति। ज्ञान की पिपासा होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही ऐसी संपदा है जिस संपदा को आप प्राप्त करके जो है, जिस ज्ञान को पा करके आपका कल्याण हो जाएगा। अपने कल्याणकारी प्रश्न करिए कि हमारा कल्याण जिसमें हो। तो सबसे पहले प्रश्न क्या, कथम ज्ञानम, मैं मुझे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, कथम मुक्तिर भविष्यति, मेरे जीवन वैराग्य कैसे आएगा, वैराग्यम चा कथम प्राप्त मे दद मुहि मम प्रभो, ऐसे प्रश्न होने चाहिए। तो वही जो है पार्वती जी ने किया, बहुत सुंदर, बड़े आनंद में हो गए। सुनिए और कहते हैं भोलेनाथ, हे देवी सुनिए, यह जीवन रामचरित्र सुनने के लिए ही मिला है, प्रभु चरित्र सुनने के लिए ही मिला है, प्रभु चरित्र को सुन करके अपने जीवन का उद्धार करने के लिए मिला है, कल्याण के लिए मिला है जीव को। और जो व्यक्ति मनुष्य तन को प्राप्त करके अगर मान लीजिए हरि कथा नहीं सुना, उसके कान जो है वो कान नहीं है, वो तो जो है सर्प के घुसने का बिल है। जिसने अपने इन नेत्रों से संत दर्शन नहीं किए हैं वो जो है मोर के पंख के समान है, वो उसके जो है नेत्र वो नेत्र नहीं है। और जिसके हृदय में भक्ति नहीं आई वह तो महाराज शव के समान है, मृत के समान है, है? और जिसकी जिह्वा से भगवान का गुणानुवाद नहीं निकलता, संकीर्तन नहीं निकलता, वह उसकी जिह्वा जो है मेंढक के समान है, जो कि केवल टर टर करती रहती है।